चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को कि हमने डिटर्मिनेंट्स के दो ग्रुप क्यों किए थे। एक ग्रुप में कंसर्न कमोडिटी का प्राइस और दूसरे ग्रुप में अदर फैक्टर्स हमने लिए थे, तो उसका क्या रीज़न था। अगर चेंज होता है कंसर्न कमोडिटी के खुद के प्राइस में, ठीक है, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, उस चेंज को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। लेकिन अगर कमोडिटी के प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में अगर चेंज होता है और उसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपली चेंज इन सप्लाई, ठीक है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, द रीजन। क्वांटिटी सप्लाइड यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है कमोडिटी का खुद का प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे अगर हमारी कमोडिटी एक्स है तो किस में चेंज होना चाहिए, एक्स के प्राइस में। लेकिन चेंज इन सप्लाई वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि चेंज किस में होना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न चेंज इन एनी अदर फैक्टर, राइट। एनी अदर फैक्टर सच एज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, एक्सेट्रा इस तरह से, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होगा तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी देर इज़ अ मूवमेंट, ठीक है ना। क्या चेंज आएगा, मूवमेंट आएगा, और यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ पर आएगी शिफ्टिंग, ठीक है, यहाँ पर आएगी शिफ्टिंग इस तरह से, ठीक है। अब कैसे आएगा चेंज, अगर प्राइस बढ़ जाता है और सप्लाई भी बढ़ जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस कम हो जाता है और सप्लाई भी कम हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, कोई भी अदर फैक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कम होने की वजह से सप्लाई बढ़ गई तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर सप्लाई कम हो गई तो इसे बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। मूवमेंट और शिफ्टिंग, मूवमेंट का मीनिंग होता है हम सेम कर्व पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं, और शिफ्टिंग का मतलब होता है एक न्यू कर्व फॉर्म होता है, इधर राइटवर्ड इधर लेफ्टवर्ड, ठीक है। कैसे, तो उसको ग्राफ बना के भी समझते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम मूवमेंट के थ्रू इंडिकेट करते हैं, मूवमेंट के थ्रू शो करते हैं, और चेंज इन सप्लाई को हम शिफ्ट के थ्रू शो करते हैं, शिफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो अगर मूवमेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी सप्लाई बढ़ रही है और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कंसर्न कमोडिटी का खुद का प्राइस, तो देर इज़ अ एक्सटेंशन, और अगर सप्लाई कम हो रही है देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन में हम अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन में हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, देर इज़ अ मूवमेंट अलॉन्ग विथ सेम सप्लाई कर्व, ठीक है ना। लेकिन अगर कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होता है और उसकी वजह से अगर सप्लाई चेंज होती है तो दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ रही है तो एक न्यू कर्व बनेगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक न्यू कर्व बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, और इंक्रीज इन सप्लाई। लेकिन अगर सप्लाई कम हो रही है और उसका रीज़न क्या है, प्राइस को छोड़कर कोई भी अदर फैक्टर, कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर कोई भी अदर फैक्टर और उसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है, तो कर्व में क्या आएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आएगी, दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है।
तो शिफ्टिंग में हमेशा एक न्यू कर्व फॉर्म होता है, इधर राइटवर्ड और इधर लेफ्टवर्ड। और शिफ्टिंग का जो रीज़न होता है वो होता है कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर एनी अदर रीज़न। ठीक है, तो एनी अदर रीज़न की वजह से अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। इट रिप्रेजेंट बाय शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। लेकिन अगर कंसर्न कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होता है और उसकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन, एंड इट प्रेजेंट बाय द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, दिस इज अपवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये रीज़न था कि जिसकी वजह से हमने डिटर्मिनेंट्स के दो ग्रुप किए थे। एक ग्रुप में हमने लिया कंसर्न कमोडिटी का प्राइस और बाकी में हमने ले लिए सारे अदर फैक्टर्स और उनको हमने नाम दे दिया अदर फैक्टर्स। ठीक है, अदर फैक्टर्स नाम दे दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब चेंज अगर अदर फैक्टर में हुआ तो कर्व हमें शिफ्टिंग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चेंज अगर कंसर्न कमोडिटी के खुद के प्राइस में हुआ तो कर्व एक ही रहेगा और हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं सप्लाई फंक्शन के थ्रू बता रही हूँ। जैसे सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, कंसर्न कमोडिटी का प्राइस, अदर कमोडिटी ले लीजिए या रिलेटेड गुड का प्राइस ले लीजिए, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसी और अदर फैक्टर्स एट्सेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इन कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर चेंज होता है कंसर्न कमोडिटी के प्राइस में तो हम सेम कर्व पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, और अगर चेंज हो रहा है किसी भी अदर फैक्टर में तो हम कर्व में राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, आप गिवन बोल लीजिए, कंसर्न बोल लीजिए, कंसर्न कमोडिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे शो करते हैं, द कमोडिटी इज एक्स, दैट्स वाई द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज पी एक्स। क्या इफेक्ट आता है, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि सप्लायर को प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, उसे प्रॉफिट चाहिए। कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, जब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे सप्लाई, प्राइस में चेंज हो रहा है इसलिए वर्ड यूज करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस। ठीक है, इट्स अ अपवर्ड स्लोप कर्व। अगर प्राइस चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली हम एक ही कर्व पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से दिस इज एस एस डैश सप्लाई कर्व। ठीक है ना, प्राइस अगर बढ़ रहा है पी से पी वन तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, एस से एस वन, एंड दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। प्राइस अगर कम हो जाता है P1 से P2 तो सप्लाई भी S से क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी। हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। नाउ द सेकेंड डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड और अदर गुड भी हम बोल सकते हैं।
यहाँ रिलेटेड गुड मीन्स नॉट सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्रीज, क्योंकि हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, हम डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एक ही वर्ड रहेगा, रिलेटेड गुड और अदर गुड। तो मान लीजिए कि जो ये रिलेटेड गुड है इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं पी आर से, पी आर इज़ अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर इंक्रीज होता है तो इसका हमारी कमोडिटी कौन सी है, हमारी कमोडिटी गिवन कमोडिटी तो एक्स है ना। मान लीजिए एक्स जो है वो वीट है, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो गिवन कमोडिटी की सप्लाई पर इसका क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। क्या इफेक्ट आएगा, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, मान लीजिए हमारी कमोडिटी है वीट, वीट का प्राइस सेम है राइस, मान लीजिए आर दिस इज राइस, रिलेटेड कमोडिटी राइस, ये फार्मर है जो वीट का प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन मार्केट में राइस के प्राइजेस बढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब राइस के प्राइजेस बढ़ेंगे तो ये फार्मर क्या करेगा, वीट की जगह पर राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब वो राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, वीट का प्रोडक्शन कम कर देगा, तो वीट की सप्लाई पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, वीट की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। देखो हम कमोडिटी के खुद के प्राइस के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सप्लाई पर, गिवन कमोडिटी की सप्लाई पर किसका इफेक्ट देख रहे हैं, रिलेटेड गुड के प्राइस का, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ता है गिवन कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि हर कोई इस रिलेटेड गुड के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई में लग जाएगा। लेकिन अगर रिलेटेड गुड का प्राइस, मान लीजिए राइस का प्राइस मार्केट में बहुत कम है, उसमें ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सबको ही वीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सबको ही प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में वीट की, उस केस में गिवन कमोडिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस का गिवन कमोडिटी की सप्लाई पर कैसा इम्पैक्ट आता है, कैसा इफेक्ट आता है, इनवर्स, ठीक है। देर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है। तो अब इस सप्लाई के कम होने को हम क्या बोलेंगे, दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप, और इस सप्लाई के कम होने को हम क्या बोलेंगे, इस सप्लाई के कम होने को बोलेंगे हम डिक्रीज। डिक्रीज इन वॉट, डिक्रीज इन सप्लाई, और इसे बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, नो एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज द रीजन इज एनी अदर फैक्टर, ठीक है, एंड एनी अदर फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ग्राफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आपसे पूछे कि इसका इम्पैक्ट सप्लाई कर्व पर क्या पड़ेगा, तो पहले हम सप्लाई कर्व तो बना लें। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और हमने ये एक सप्लाई कर्व बना लिया, दिस इज एस एस सप्लाई कर्व, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई कम होती है तो हम इस तरीके से अंदर की तरफ कम होते हैं ना, तो हम इस तरीके से इन्वर्ट क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, दिस इज एस वन एंड दिस इज एस डैश और एस डबल डैश, दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई, और इसे क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी, एंड अकॉर्डिंग देर इज अ राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरीज, रॉ मटेरियल,
इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, ये सब क्या है? ये सब गुड्स हैं, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या बोल सकते हैं ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनका यूज़ करके एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है और फिर उसकी सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से सारे इनपुट हैं। अब अगर ये इनपुट महंगे हो जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारा बजट तो सेम ही है ना। लेकिन अगर ये सारे इनपुट सस्ते हो जाते हैं, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, सस्ते रेट पर अवेलेबल है, लेबर बहुत सस्ती हो गई है, कैपिटल पर इंटरेस्ट की रेट बहुत कम है, तो हम हमारे एग्जिस्टिंग बजट में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, पी एफ से। तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, अगर फैक्टर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम सप्लाई को क्या कर देंगे, कम, हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर हमारे फैक्टर्स इजीली और कम रेट पर अवेलेबल हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और अकॉर्डिंगली सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इस सप्लाई के कम होने को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई, बिकॉज द रीज़न इज एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। अगेन देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो पहले सप्लाई कर्व बना लेते हैं। सेम एक्स एक्सिस पे लेंगे सप्लाई ऑफ एक्स, y एक्सिस पर लेंगे प्राइस ऑफ x, और ये बन गया एक अपवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व एसएस। हमेशा हमें इनिशियली यही चीज़ करनी है। अब हमें बताना है इफ़ेक्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस महंगे हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन सप्लाई, द सप्लाई विल बी डिक्रीज्ड, एंड व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, देयर इज़ अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो आपका आंसर क्या आएगा, सप्लाई कर्व शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एंड इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, द सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी विल बी इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, द सप्लाई कर्व विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग। तो अगर ये एस डैश कर्व है, हम इसको एस डबल डैश नाम दे देते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्री में या फर्म में टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल लेवल हम ऐसा बोले कि इनोवेशंस इन्वेंशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, हम हमेशा नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। जैसे हम नई नई मशीनरीज यूज़ करते हैं, हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के बहुत सारे इन्वेंशंस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम सप्लाई को भी क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो मार्केट से ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो हमारी कॉस्ट तो वैसे ही बढ़नी है, तो अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक फार्म है, एक खेत है, और उस पर आपको वीट का प्रोडक्शन करना है, और अगर आप वही बैलगाड़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कम होगा, और अगर आप वही ट्रैक्टर से और एडवांस मशीनरी से अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा। तो अगर हम इनोवेटिव कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, हम एक अच्छी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ेगी। और अगर हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक आउटडेटेड, एक पुरानी, एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में कम, क्योंकि अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कम होगा।
सप्लाई कर्व पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर आपसे बोले कि एक फर्म है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो बताइए कि उसके सप्लाई कर्व पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसके सप्लाई कर्व पर पहले हम सप्लाई कर्व बना लेते हैं। दिस इज़ एस एस सप्लाई कर्व। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और अकॉर्डिंगली सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कर्व पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? द सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू राइट। देयर इज़ अ राइट वर्ड, शिफ्टिंग। लेकिन अगर आप आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी है, तो उससे आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अकॉर्डिंगली सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व? द सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट। दिस इज लेफ्ट वर्ड, शिफ्टिंग। एस डैश एन एस डबल डैश कर्व, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक और डिटर्मिनेंट की बात करें, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या हो सकती है? अगर गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रिक्ट है तो टैक्सेस क्या लगाएगी गवर्नमेंट? ज़्यादा लगाएगी। द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा टैक्सेस। जैसे कि गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, सेल करने पर जैसे GST, या दूसरे जो भी टैक्सेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं, अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो मटेरियल वगैरह सब महंगा पड़ेगा। जब चीज़ें महंगी लगेंगी हमें, हम प्रोड्यूसर हैं, अब हम कंज्यूमर नहीं हैं, हमें हमारी जो भी इनपुट्स हैं वो महंगे मिलेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी अकॉर्डिंगली, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट करने की नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है पॉलिसी, लिबरल है, तो गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी? मान लीजिए अगर गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लाइक सब्सिडी। सब्सिडी एक फाइनेंशियल हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट क्या होगी? आपके ऊपर बर्डन कम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो अगर आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो सब्सिडी अगर प्रोवाइड हो रही है, अगर सब्सिडी बढ़ाई जा रही है आपको, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और अकॉर्डिंगली सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन की पॉलिसी यूज़ कर रही है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज़ कर रही है, या गवर्नमेंट की एक लिबरल पॉलिसी है, ठीक है। अब इसका इसका सप्लाई कर्व पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो पहले हम एक नॉर्मल सा सप्लाई कर्व बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स, और ये एक सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप, दैट इज एस एस सप्लाई कर्व। अगर टैक्सेस इम्पोजिशन ज़्यादा कर दिया जाता है तो उस केस में सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। लेकिन अगर टैक्स कम कर दिए जाए तो, अगर टैक्स कम कर दिए जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग आ जाएगी, ठीक है। सब्सिडीज ज़्यादा मिल रही है आपको, तो आपको बहुत फाइनेंशियल, आप यानी प्रोड्यूसर, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो शिफ्टिंग कैसे आएगी? राइटवर्ड। इसको एस एस डैश नाम देते हैं, इसे एस डबल डबल डैश, एंड देयर इज राइटवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखिए, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर या फर्म की सप्लाई को इफेक्टेड करते हैं, लेकिन हम सारे फैक्टर्स को नहीं पढ़ सकते यहाँ पर, हम पूरी लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस भी रीज़न से सप्लाई बढ़े और वो रीज़न कोई भी अदर फैक्टर की कैटेगरी में आता हो, गिवन कमोडिटी का प्राइस नहीं है, कोई भी अदर फैक्टर की कैटेगरी में आता हो, सिचुएशन प्रोड्यूसर्स के फेवर में है, अकॉर्डिंगली सप्लाई बढ़ेगी, तो उसे बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और सप्लाई कर्व पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से सप्लाई पर एडवर्स इफेक्ट आएगा, ठीक है, निगेटिव इफेक्ट आएगा, सप्लाई कम होगी, तो उसे बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड।
ठीक है। जैसे एक अदर फैक्टर, एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट में मोनोपॉली है। मोनोपॉली का मतलब होता है कि एक ही फर्म है, एक ही प्रोड्यूसर है। तो जब एक ही फर्म होगी, एक ही प्रोड्यूसर होगा, वो मोनोपॉली को क्रिएट करने के लिए सप्लाई को हमेशा क्या करेगा, कम रखेगा। ठीक है, जब मार्केट में शॉर्टेज होगी तभी तो भाव बढ़ेंगे ना, तभी तो वो अपनी मोनोपॉली को मेंटेन कर पाएगा। तो मोनोपॉली के केस में सप्लाई कर शिफ्टेड टू लेफ्ट, लेकिन मार्केट में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव फर्म है, तो उस केस में क्या होगा, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई का शिफ्टेड टू द राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको सिर्फ इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर चेंज होता है कंसर्न कमोडिटी के प्राइस में, तो हमारा आंसर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और चेंज होता है किसी भी अदर फैक्टर में और उसकी वजह से सप्लाई कम या ज़्यादा होती है, फेवरेबल सिचुएशन में सप्लाई बढ़ेगी, अनफेवरेबल होगा तो सप्लाई कम होगी। बढ़ने को बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, कम होने को बोलेंगे डिक्रीज। और कर्व में क्या आएगी, शिफ्टिंग आएगी, ईदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड।